जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेस क्लासेज केजीजी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भारतीय संविधान का मास्टर क्लास पार्ट वन। क्या लगता है गुरुजी, इससे ज्यादा पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। शिक्षक तो बनना ही है के तहत यह है आपका तांडव सीरीज। क्या है? तांडव सीरीज है साथियों, और इससे ज्यादा एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए। और साथियों, आज से पहले मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे बाहर कुछ नहीं सीरीज। उसके पहले आपको हर दिन मिलता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए HDG विज्ञान की क्लास, वो भी पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ, और साथ ही साथ एडुटेरिया के प्रवीण सर के द्वारा जो PDF दिया गया है, उस PDF से आपको हर दिन कराते हैं 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण है। ओके, और साथ ही साथ सब गुरु चेला क्लास के तहत आपको कराया गया है संपूर्ण हिंदी संज्ञा और सर्वनाम शिक्षक तो बनना ही है कि सीरीज के साथ। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ साथियों, ये जो है ये वीडियो इस वीडियो का सजीव प्रसारण किया गया है आपके साथ इतिहास का, सीधे सीधे कहां से, सीधे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवाल से। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत फायदा आएगा साथियों आपको। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्यारा क्लास, जिस क्लास का नाम क्या है, राजनीति और बीपीएससी टीचर नोट बिहार 7th फेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ PDF पर फोकस करें, ना कि मेरे ऊपर, इसलिए मैं अब इनविजिबल होना चाहता हूं, अदृश्य होना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पूरा का पूरा ध्यान PDF के ऊपर रखें, जिससे आप इस PDF को पूरे डिटेल से पढ़ सके। ओके, वैसे कुछ देर टिके रहते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास कर रहे हैं। आपको पता है साथियों, भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास कितने चरणों में हुआ है? दो चरणों में हुआ है। पहले चरण में क्या है साथियों, तो 1773 से लेकर 1857 तक का चरण, और दूसरा चरण है 1858 से लेकर आपका 1947 तक का चरण। तो भारत का संवैधानिक विकास इन्हीं दो चरणों में हुआ है, क्योंकि 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसके बाद 1946 में 47 में जब तक भारत आजाद हुआ, भारत का संवैधानिक विकास होता रहा। इन्हीं विकास को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन स्थापित हुआ, और 1770 ईस्वी के दशक तक बंगाल पर कंपनी का शासन अस्थिर स्थिति में आ गया था। मतलब क्या हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच। कौन लड़ा था? लॉर्ड क्लाइव लड़ा था। और जैसे ही इस युद्ध में क्या हुआ आपका, पूरी तरह से जीत गया कौन, इंग्लैंड, अंग्रेज। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल पर पकड़ मजबूत कर लिया। और जब बंगाल पे पकड़ मजबूत हो गया साथियों, तो धीरे धीरे जब अंग्रेजों को लग गया कि अब हम लोग क्या है, बंगाल में अच्छी स्थिति में है, तो पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक ना। किंतु इस समय तक कंपनी के कर्मचारी तेजी से अमीर हो रहे थे और कंपनी लगातार गरीब हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, जिससे भारतीय क्षेत्र की स्थिति के आकलन हेतु लॉर्ड नॉर्थ ने बरकायन के नेतृत्व में एक गुप्त समिति गठित की, जिसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान क्या थे, निम्न थे। पहला प्रावधान क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, 1773 में। ओके, इसके तहत 4% ब्याज पर 14 लाख पाउंड कंपनी प्राप्त हुए। इंग्लैंड में 24 सदस्यीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण स्थापित हुआ, कंपनी के आवश्यक दिशा निर्देश देना होगा, और इंग्लैंड की सरकार से लगातार स्थिति पर पत्राचार करना। कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों बंबई, मद्रास, बंगाल तथा पृथक गवर्नर हेतु होता है, परंतु ये सभी बंगाल के। पहली बार क्या किया गया कि जो मद्रास, बंबई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहेगा बंगाल में पहली बार गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था
वो पंजाब महाराष्ट्र का और मद्रास का या फिर बंबई का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बन गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ओके, अधीन होते थे। गवर्नर जनरल की शासन की सहायता हेतु गवर्नर जनरल सहित 5 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। तो पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो पूछेगा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ओके साथियों। इनके 4 अन्य सदस्य फिलिप फ्रांसिस कलवेरिंग और मॉनसन और बॉरवेल। कलकत्ता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। कलकत्ता में क्या किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी आपकी, सर एलिजा एम्पे थी। बहुत बार प्रश्न आता है न्याय का इंग्लैंड के कानून के तहत करना था। कलकत्ता में भारत का कोई अपना न्याय पद्धति नहीं था, न्याय किसके तहत हो रहा था, इंग्लैंड के कानून के तहत हो रहा था, ओके। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के नियम के विरुद्ध इंग्लैंड स्थिति प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इंग्लैंड का सर्वोच्च कोर्ट, जैसे यहाँ का सर्वोच्च कोर्ट कौन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह इंग्लैंड का सर्वोच्च कोर्ट कौन था, पीवी काउंसिल, तो वहां पे जाके अपील किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और कहेगा बंगाल का आखिरी गवर्नर भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में आपको बताए हैं कि लॉर्ड क्लाइव जो है एक मामूली क्लर्क की नौकरी से स्टार्ट किया था और कहां तक पहुंचा, गवर्नर के पोस्ट तक पहुंच गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काम करने वाला एक बात गवर्नर भी था। इसी के तहत भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। निजी व्यापार और उपहार पर प्रतिबंध, ये क्वेश्चन आता है कि निजी व्यापार और उपहार पर प्रतिबंध किसके तहत लगाया गया, किसके तहत लगाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये सब याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पक्का है, भारत के संवैधानिक विकास से आपको एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, कोई संशय नहीं रखना इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अधिराशियों का संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कहता एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देखिए इस एक्ट में क्या था, बहुत सारी खामियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में। सर एलिजा एम्पे जो था ये वॉरेन हेस्टिंग के अंदर में था और इसी समय घसीटी बेगम और फिर नंद कुमार इन सबों को गलत आरोप में फंसा कर वॉरेन हेस्टिंग उसके खिलाफ लिख रहा था, बोल रहा था, इंग्लैंड बंगाल का व्यक्ति था, उसे क्या क्या गलत आरोप में फंसा कर सर एलिजा एम्पे के द्वारा सजा दिलाकर फांसी पर चढ़ा दिया। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया जिसमें इसकी कमियों को दूर किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्हें एक सरकारी अधिकारी के रूप में किया है। कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भारतीय परंपरा एवं रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। बोला कानून जो बनाइए उसमें क्या किए, भारतीय परंपराओं का भी सम्मान। इसे संशोधित या संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं, ओके। आइए आगे देखते हैं क्या है आपका, तो इसमें क्या आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए के उद्देश्य। सर्वप्रथम 1783 में डायडज अधिनियम और पुनश्चर नवंबर 1783 में पॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया था, किंतु उपरोक्त तो दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः पॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, देखिए इंग्लैंड में दो हाउस सदन है जैसे भारत में है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह इंग्लैंड में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं पॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ध्यातव्य है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत है। तदुपरांत ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया, 1784। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। ब्रिटेन की संसद में 6 सदस्य वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ जो भारत स्थित कंपनी को सैनिक और सैनिक राजस्व संबंधी मामले में निर्देश करती है। इस तरह कंपनी में दोहरी शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का आरंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके द्वारा बना, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ओके। कंपनी के भारत अधिकृत प्रदेश
को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया और भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और 3 इसलिए कर दिया गया कि एक गवर्नर जनरल और एक कोई व्यक्ति शामिल होगा तो क्या होगा, विधेयक पारित हो जाएगा। इस एक्ट को लंदन के पास कराने हेतु पहली और आखिरी बार भारत मामले को लेकर इंग्लैंड की सरकार का पतन हो गया। लॉर्ड नॉर्थ की जगह पिट्स प्रधानमंत्री बने, कौन बने, पिट्स प्रधानमंत्री बने, और इसलिए इस एक्ट का नाम क्या हो गया, फिस्ट इंडिया एक्ट। क्या हो गया, फिस्ट इंडिया एक्ट 1784। आप लोग दुनिया में बहुत आदमी जानता है और बहुत सारे चैनल पर कराया जाता है फिस्ट इंडिया एक्ट, लेकिन कोई ये नहीं जानता होगा फिस्ट इंडिया एक्ट क्यों फिस्ट इंडिया एक्ट है। क्योंकि फिस्ट इंडिया एक्ट इसलिए फिस्ट इंडिया एक्ट है क्योंकि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, फिस्ट था, फिस्ट। ओके, एक्ट 1786 इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति, गवर्नर जनरल को क्या शक्ति दी गई, वीटो। वीटो का मतलब क्या है, अगर गवर्नर जनरल किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है तो बाकी का 2 सदस्य अगर सहमति भी दिखा दे तो भी मुद्दा पारित नहीं होगा, ठीक ना। अर्थात परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हुई। चार्टर एक्ट 1793 इसके तहत कंपनी को भारत संबंधी अधिकार को 20 वर्षों तो बढ़ा दिया गया, कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक। ब्रिटिश भारत में लिखित संविधान विधायन द्वारा प्रकाशन की आधारशिला रखी गई। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया गया, मतलब भारत में जो भी व्यक्ति थे उसे भारत से ही वेतन देना स्टार्ट किया। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहेगा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन कहेगा पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ, तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया ठीक 20 साल 1833 में, लेकिन 1813 में पूरा तो समाप्त हुआ, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को करने का अधिकार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को करने का अधिकार किसके पास रह गया, कंपनी के पास रह ही गया, वही यहां लिखा है, चाय और चीन के साथ व्यापार का कंपनी के कार्य। इस तरह एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का छूट दिया गया और कंपनी को भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करना था, लेकिन ये 1 लाख रुपया कौन शिक्षा पे खर्च करेगा, पाश्चात पे या फिर अपना जो प्राचीन शिक्षा पद्धति था उस पे, इसके लेकर बहुत सारी कमिटियां बनेगी। चार्टर एक्ट 1833 इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्न थी, कंपनी का व्यापारिक अधिकार का अधिकार पूर्णतः पूर्णतः चाय का और चीन का सब मेटिया मेट, इस कंपनी अब कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल घोषित किया गया और यह सौभाग्य लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके तहत मद्रास और मुंबई दोनों आ जाता था। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा डिटेल कराए हैं, वहां बताए हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये ऐसा व्यक्ति है जिसने सती प्रथा को अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये ऐसा व्यक्ति है जिस जो, जो राजा राममोहन राय से जिनका स्थायी संबंध अच्छा था, और इसी समय राजा राममोहन राय ने क्या क्या था, वर्ण समाज की स्थापना की थी, आत्मीय समाज की स्थापना की थी। ओके, सब कुछ कराए हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। बंबई मद्रास के परिषदों को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण भारत हेतु कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के परिषद को दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधायी सदस्यों की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने, कौन बने, लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले ही क्या करता है आपको, जो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसका प्रचार प्रसार और इसको अस्थायीकरण देने का काम लॉर्ड मैकाले करता है, और मैकाले मिक्ट लाता है कब, 1835 में। ओके, कानून के संहिताकरण हेतु एक विधि प्रयोग का गठन घोषणा की गई, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, जबकि 1843 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन दास प्रथा का पतन किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल में। और आप जब दूसरे चैनल पर पढ़िएगा तो वहां पॉलिटी वाला खाली पॉलिटी पढ़ाएगा, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री, यहां तो आपका भाई क्या हॉलैंडर सब मिक्स करके और रिलेट करके पढ़िएगा तभी याद रहेगा, कह रहे हैं हम, याद रखिए रिलेट करके पढ़ना ही पड़ेगा, बिना रिलेट करे अगर पढ़िएगा तो सब भूल जाइएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को क्या कर दे, दबा के सब्सक्राइब कर दे, एकदम जोर से दबाना है, लाइक कर देना है वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो अवश्य करें, गुरु जी भावी शिक्षकों पूरा शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक ना। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भारत का माध्यम बनाया गया,
कंपनी में के प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था। अब है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट के क्रम में यह आखिरी चार्टर एक्ट था, ठीक ना। इस अधिनियम के तहत मुख्य प्रावधान थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, तो प्रतियोगिता परीक्षा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कौन था इस समय, डलहौजी। तो प्रतियोगिता परीक्षा का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक ना। किसे कहा जाता है, और 1919 तक यह प्रतियोगिता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती थी, लंदन में होती थी, ठीक ना। इस परीक्षा के तहत सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस बने। ब्रिटिश संसद अब किसी भी समय कंपनी को भारत शासन से समाप्त कर सकती थी। बंगाल प्रांत हेतु पृथक गवर्नर की व्यवस्था की गई। पहली बार संपूर्ण भारत हेतु अखिल भारतीय विधानसभा का गठन किया गया। हालांकि इसके द्वारा निर्मित कानून गवर्नर जनरल की अनुमति से ही लागू होता था। गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य के रूप में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार विधि सदस्य की कार्यकारिणी परिषद की स्थायी। अब कहता है भारत, इसी बीच क्या हुआ आपको, 1857 में भारत की पहली क्रांति हो गई। पर 1857 की क्रांति मंगल पांडे भीड़ मारो फिरंगी के नारे के साथ जनरल भक्त की हत्या कर देते हैं मंगल पांडे, ओके। उसमें आपको पूरा डिटेल्स कराया कैसे मेरठ में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, जॉर्ज निक्सन को कैसे निपटा दिया गया था, कैंपबेल कौन था, आपके क्या कहते हैं वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे कहा था, सारा कुछ कराया है। नहीं देखे तो देखिए, नहीं तो बाद में पछताइए, कोई चैनल पर नहीं मिलेगा। ये तो बस आपका एक छोटा सा पीडीएफ है अधूना सा, इसको जो कराने का तरीका है वो आपको मजेदार लगेगा और उससे आपको याद होगा, ठीक ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह में कंपनी पूरी तरह से हार जाती है। अगर कंपनी के ही गवर्नर जनरल कहे थे केनिन ने, अगर सिंधिया होलकर ये सब भी विद्रोह कर देता तो मुझे अपना बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। कुछ भारतीय गद्दार थे, अंग्रेजों भारतीय सैनिकों का साथ नहीं दिए, दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं हुआ। पूरे भारत में अगर एक साथ विद्रोह हो जाता तो 1857 में श्री सीताराम अंग्रेज का हो जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस अधिनियम को लाने के मुख्य वजह थे 1857 के विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों। इसके भारत में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अब यह जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद को दी गई। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था। राज्य सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। तो राज्य सचिव का पद ही साया। और अब जो भी कानून आएगा उसमें रहेगा मार्लो, मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये सब जो है इसमें जो भी एक व्यक्ति का नाम है वो सब भारतीय सचिव है। सचिव कौन होता था, तो भारतीय मामले का एक मंत्री बैठता था कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भंग कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम वाइस राय कर दिया गया। पहले वाइस राय कौन बनते हैं, लॉर्ड केनिन कौन बनते हैं। और ये जो घोषणा पत्र है इसको कहां पढ़ता है, 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में लॉर्ड केनिन पढ़ के सुनाता और कहता है अब भारतीय जितने भी हैं वो सभी क्या हो गए, ब्रिटेन की महारानी की संतान हो गए। क्या बात करते, मजा आ रहा है। भारतीय प्रजा को महारानी की प्रजा का दर्जा दिया गया। ब्रिटेन की महारानी ने भारत के संबंध में नीतिगत घोषणा की, ओके। कहता है इस एक्ट के तहत पहली बार विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, पटियाला के महाराज, बनारस के महाराज और सर दिनकर राव, जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था, समझ गए। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश 123 के तहत अभी तक कौन जारी कर रहा है, राष्ट्रपति। किसके तहत, तो पूछेगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को। पहली बार कब मिला था, 1861 में। किसके तहत, आर्टिकल 123 के तहत अभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या बात करते हैं, समझ रहे हैं। और 231 के तहत कौन, राज्यपाल। अध्यादेश कितने दिनों तक रह सकता है, संसद के गठन के 2-1 महीना तक। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए कुछ विषयों पर प्रांतीय गवर्नर को कानून बनाने की अनुमति दी गई। इस एक्ट के तहत ही बंबई, मद्रास, कोलकाता में 1861 एक्ट के तहत ही 1862 में क्या किया गया, बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहेगा सर्वोच्च न्यायालय पहली बार किस अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ओके। और उच्च न्यायालय किसके तहत, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली का आरंभ हुआ, सदस्यों को पृथक विभाग सौंपे गए। शाही उपाधि अधिनियम 1896। इस अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876 के घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को
भारत की सामग्री घोषित किया गया और ये उपाधि देने का शुरुआत कौन किया था? चोट्टा वायसराय। कौन था चोट्टा वायसराय? बड़ा कूलर प्रेस एक्ट लाने वाला लॉर्ड लिट्टन। सब हम ही कराएंगे, कोई ना करा सकता है सब, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट। यही सब आएगा, देख लीजिएगा। अब बाद में हम यही वीडियो आपको दिखाएंगे जब एग्जाम हो जाएगा तो। इसके द्वारा औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार का अंतरण मान्य है। इसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में 10 से 16 के बीच निर्धारित की गई। साथ ही परिषद के सदस्यों के आम एवं बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। हालांकि मत देने का पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति नहीं था। भारत में प्रत्यक्ष रूप से ऐसी निर्वाचन प्रणाली क्या हो गई? आरंभ हो गई। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। और ये जो अधिनियम है इसी में पहली बार कांग्रेस का छाप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कांग्रेस का छाप देखने को मिलता है, क्योंकि इसी में पहली बार कांग्रेस ने क्या किया था? प्रेशर बना के थोड़ा सा पूरक प्रश्न की अनुमति ले ली थी। अब कहता है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ओके, भारत में विष का दांत बोने वाला अधिनियम। 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादी को संतुष्ट नहीं कर सका। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले, कौन था सचिव? लॉर्ड मार्ले था। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। दोनों इस असहमत थे, कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण डले कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1909 में भारत में परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मार्ले भारत का सचिव और मिंटो वायसराय थे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को पुनः विस्तार किया गया। परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का, मतदान करने तथा प्रस्ताव का अधिकार दिया गया। प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इन्हें जनसंख्या के अधिक अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया और यहीं से भारत में प्रायोजित सांप्रदायिकता, क्योंकि मिंटो जो था, मार्ले ने मिंटो को फोन करके कहा था लंदन से, हेलो भाई, बोला हाँ क्या, ये जो भेज रहे हैं ना, क्या भेज रहा है भाई, ये जो भेज रहा है भारत शासन अधिनियम 1909, ये क्या है? ये भारत में विष का दांत बोएगा और ये दांत एक दिन ऐसा भारत को डसेगा कि भारत दो टुकड़े में बदल जाएगा। और हमारे जो पाकिस्तान के भाई थे वो इस बात को समझ नहीं पाए, जो समय के कुछ मुसलमान भाई थे वो इस बात को समझ नहीं पाए और भारत के दो टुकड़े हो गए। क्या कर लिया वो पाकिस्तान लेकर? आज तो वो दाल आटा चावल के लिए तरस रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्री। अपना बेटा को बुरा हाल है, अपना बेटा जब बेटा नालायक हो जाता है और बाप का साया उसके सर पर से उठ जाता है तो इसी तरह भूखा मरने के लिए बेवस हो जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। पहले सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि मंत्रालय दिया गया। इस अधिनियम की एक त्रुटि थी कि जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई वह इतना स्पष्ट थी कि प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत संसदीय प्रणाली तो दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, ठीक ना। कहता भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और याद रखिएगा, 1919 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक ना। क्या होता है आपका? रोलैक्ट एक्ट आता है। क्या होता है आपका? असहयोग आंदोलन होता है। क्या होता है आपका? खिलाफत आंदोलन होता है। सब सब याद रखना है, ठीक ना। इसके तहत केंद्रीय परिषद में अब द्विसदनीय कर दी गई। राज्य परिषद या उच्च सदन था तथा विधान सभा या निम्न सदन था। प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना था। सांप्रदायिकता का विस्तार करते हुए सिख, यूरोपीय, जमींदार, एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार। तो पूछेगा भारत में महिलाओं का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम। और हाँ, जितने भी हमारी महिला शिक्षक शिक्षार्थी देख रही है, जितने भी हमारी महिला शिक्षक देख रही है, उन सबों से निवेदन है कि कमेंट किया करे, लाइक किया करे वीडियो को। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप लोग को 50% आरक्षण है, आप ही सब तो टीचर बनिएगा, ठीक ना। तो आपको मतदान करने का अधिकार कब दिया गया? महिलाओं को। प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। इस प्रणाली के तहत सर्वप्रथम विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय विषय तथा दूसरा प्रांतीय विषय। पुनः प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक अतिरिक्त विषय, एक क्या है? अतिरिक्त विषय, और दूसरा, एक सेकंड साथी, क्या है? अतिरिक्त विषय इस परिषद में गठित उस पर निर्भर। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए कब है? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के 7 सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। बताइए, भारत के लिए कानून बनाना है, भारत के लिए निर्णय लेना है और सारा का सारा क्या है? अंग्रेज। भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, बोला नहीं चलेगा, लेकिन अंग्रेज नहीं माना, बोला कैसे नहीं चलेगा। यह 28 में आया भी, 1928 में रिपोर्ट भी बनाया, 29 में सौंपा भी और इसका रिपोर्ट लागू भी हो जाता है। बाद में मोतीलाल नेहरू के
और इसी समय जो है मोतीलाल नेहरू कह रहे थे संविधान, तो उसी समय एक सचिव थे भारत के, कौन, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कहा जाइए और आप क्या कीजिए कॉमन मेमोरियल प्रोग्राम पर दस्तखत करा के ले आइए, तो आपका संविधान, तो ये सबसे दस्तखत करा लिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत नहीं किया मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पर, और क्या किया 14 सूत्री मांग को दे दिया, बोला ये 14 सूत्री मांग को मान लीजिए, सूत्री मांग को तब हम मानेंगे। डोमिनियन स्टेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ डोमिनियन स्टेट, भारत क्या है अभी संपूर्ण राष्ट्र, लेकिन डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, आंतरिक मामले में स्वतंत्र और बाह्य मामले में किसी के अधीन, ये होता है डोमिनियन स्टेट का मतलब। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन का शब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, इसी में आपका डोमिनियन स्टेट मांगा गया था, जिस पर उसका डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित क्रिया गया है, वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, डोमिनियन की जगह पर क्या किया जाता है, राष्ट्रमंडल सदस्यों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत को डोमिनियन मांग रहा था, तो जब अंग्रेज नहीं माना तो 1828 में, तो तुरंत 29 में मोतीलाल नेहरू का बेटा कहां लाहौर अधिवेशन रावी नेडिकेटर पर झंडा फहराया, बोला पूर्ण स्वाधीनता का मांग, और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया पहली बार 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, समझ गए। अब कहता है भारत शासन अधिनियम 1935, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 ईस्वी में लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन 1930-32, संयुक्त प्रवर समिति एवं लोथिया समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के पश्चात यह अधिनियम लाया गया। इसकी मुख्य विशेषता निम्न थी, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी रियासतों को भी शामिल होना था, प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था परंतु देशी रियासतें का क्या था, स्वेच्छा था। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंप दिया और साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, 3-3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, एक में मात्र कांग्रेस ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिया था आपको तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो सर पूछेगा आप लोग कर दीजिएगा। प्रांतों में दोहरी शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में दोहरी शासन का आरंभ हुआ, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा है तो विभिन्न प्रांत विषयों को मिलाकर 3 सूची बनाई गई, संघ सूची 59 विषय थे, प्रांतीय सूची 54 विषय थे और संवर्ती सूची 36 विषय थे। अभी संवर्ती सूची में कितना विषय है, 51 विषय। अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना हुई, हालांकि इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, अखिल भारतीय मतलब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसके तहत बना था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ओके, एक संघीय बैंक की स्थापना हुई, संघीय बैंक जिसको क्या कहते हैं आप लोग आरबीआई, तो आरबीआई जो है 3 देशों का काम कर चुका है, किसका, भारत का, पाकिस्तान का, बांग्ला म्यांमार का और बांग्लादेश का किया ही था, ठीक ना। इसमें 1931 में 10 अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थे 10, अभी कितनी अनुसूचियां है, सही है 12। इसमें संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार न केंद्र के पास था न प्रांत के पास, बल्कि गवर्नर जनरल के हाथों में था, इसके पास था गवर्नर जनरल के हाथों में था। गत अगस्त प्रस्ताव 1940 जिसके खिलाफ में गांधी जी क्या करते हैं आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान करते हैं और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसे चुनते हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में डॉक्टर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तृतीय के रूप में किसे, तो तृतीय के रूप में आपको पता ही है परमदत्त को। लाइट क्या है, कट गई है, इसलिए वीडियो हो सकता है साफ नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुकिए हम देख लेते हैं, आ रहा है वीडियो ठीक आ रहा है क्या, रहने देते हैं तब तो, चल रहा है चलने देते हैं क्या, और आप लोग देख क्या रहे हैं पता है ना, हैं आप लोग क्या देख रहे हैं, महातांडव देख रहे हैं, भोला हुआ का आशीर्वाद से तांडव सीरीज, भारतीय संविधान मास्टर क्लास पार्ट 1। क्या लगता है गुरुजी, इससे ज्यादा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, शिक्षक तो बनना ही है का सीरीज है ये, ठीक, शिक्षक तो बनना ही है का सीरीज है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु लॉर्ड लेनिथ्यूगो, इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लेनिथ्यूगो ने यह प्रस्ताव दिया कि इसमें बातें थी भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेट का कोई औचित्य था, अब हमको क्या चाहिए भैया, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार होगा, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अब कुछ न चाहिए, संविधान सभा का गठन नहीं, तुम लोग जाओ। क्रिस्प प्रस्ताव 1942, क्रिस्प को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग हेतु एक प्रस्ताव रखा, इसके प्रावधान थे युद्ध के पश्चात एक निर्वाचित निकाय गठित होगा जो भारत के लिए संविधान बनाएगा और भारत को डोमिनियन स्टेट, बोला क्रिस्प प्रस्ताव को किस क्या कहा पता है, कांग्रेस के गांधी जी ने कहा ये तो दरवाजे पर जंग लगी हुई कील है, डूबता हुआ बैंक का चेक है, क्या चाहिए इसको। अब कैबिनेट मिशन 1946 मोस्ट इंपोर्टेंट,
एक प्रश्न यहां से रहते हैं, या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में चुनाव हुए, लेबर पार्टी विजयी हुई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 14 मार्च 1946 को भारतीयों को आजादी देने वाली योजना को कार्य रूप देने हेतु 3 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा, जिसके सदस्य लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एस्टोफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंडल का अध्यक्ष और ए वी अलेक्जेंडर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे, तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर एस्टोफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। ओके, और इसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का निम्न विशेषता थे, इसमें पाकिस्तान निर्माण की मांग अस्वीकार कर दी गई, ब्रिटिश भारत को और देशी रियासतों को मिलाकर, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में क्या था, पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का चर्चा था, तो आप बोलेगा नहीं था। पूरा अंधेरा हो गया, बारिश, मौसम खराब हो गया साथियों, आप लोग भी तो बिहार से ही है, मौसम खराब हुआ होगा, चलिए इसलिए वीडियो कैप्चर डिवाइस को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ओके, ताकि आइए अब आराम से पढ़ते हैं और फिर जब क्या होगा लाइट वीट आएगा तो वीडियो कैप्चर डिवाइस ओके कर देंगे। कहता है सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें सभी विभाग भारतीय के पास होंगे। ओके, और इसके तहत 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कैसी सरकार, अंतरिम सरकार का गठन किसके तहत किया गया, नेहरू जी की सिफारिश पर किया गया। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, और इसी में आपको जो है राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, कृषि मंत्री बने थे, ठीक ना। लाइट आ गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पूर्व निर्धारित मत के अनुसार जून 1948 में तक भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने का पूरा लक्ष्य था। आपको पता है कि 18 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम क्लीमेंट एटली के प्रयास से पास हो गया था। इटली प्रधानमंत्री बना, बोला हम लोग आजाद कर देंगे 48 तक, पास हो गया। और पास हो गया तो फिर वायसराय बनाकर किसको भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। 3 जून 1947 को ऐलान किया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 तक आजादी दे दी जाएगी और 2 स्टेट बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, डिकी बड योजना के तहत या माउंटबेटन प्लान के तहत या बालकन प्लान के तहत। तीनों का संबंध भारत के विभाजन से ही है। दोनों का गवर्नर जनरल पृथक होगा, दोनों का क्या होगा, विधानमंडल तथा संविधान सभा होगी जिसे विधायी बनाने का पूरा पूरा अधिकार होगा। भारत सचिव का पद विघटित कर दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी तथा वे इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकेंगे, ठीक ना। अब बोला जिसको भैया भारत में शामिल होना है भारत में शामिल हो जाओ, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना है पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन भारत के लोग ने कहा कि अब क्या करना है, किसी को इधर उधर जाने नहीं देना। तो भारत आजाद हो गया है। अब हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर गए। दूसरा अध्याय क्या है देख लीजिए, संविधान के निर्माण के स्रोत एवं राष्ट्रीय प्रतीक। मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान के निर्माण का स्रोत। आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न संविधानों का कॉपी पेस्ट है। ओके, हम लोग का अपना बहुत कुछ ही है, हम लोग सब क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करके भारतीय संविधान को बनाए हैं। ओके, आइए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या कहा साथियों, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों का इच्छा अनुसार ही होगा। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौतियों के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष वाली समिति 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यह भारतीयों द्वारा सर्वांगीण संविधान बनाने का पहला प्रयास था। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग आधिकारिक तौर पर स्वीकार की। किस प्रस्ताव ने कहा भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, किस प्रस्ताव ने क्या कहा, निर्वाचित कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की। भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा में तैयार किया गया और संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित था। इसमें देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य भी शामिल थे। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संविधान सभा में कितने जनसंख्या पर एक व्यक्ति थे, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को क्या किया गया, चुना गया। संविधान सभा जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। प्रांतीय विधानमंडल को ही भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान सभा में भाग लेने वाली जनसंख्या के 3 भागों में बांटा, मुस्लिम, सिख और साधारण। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, 389। प्रांतों से निर्वाचित कितने हुए थे, 292।
और चीफ कमिश्नर से निर्वाचित हुए थे 4 और देसी रियासतों के थे कितने 93। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना। कहता है कुल 296 निर्वाचित क्षेत्रों में से 208 स्थान कांग्रेस को जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिला। 3 जून 1947 को पाकिस्तान अलग संविधान सभा गठित किया गया और पुनर्गठित संविधान में कितने सदस्य रह गए थे, पुनर्गठित संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों वाली थी। सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक प्रांत प्रतिनिधि प्रांतों में संयुक्त प्रांत में 53 शामिल थे जबकि देसी रियासतों में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। तो बाद में हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो हुआ और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को क्या कर लिया गया, भारत में मिला दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है फ्रेंच मॉडल के आधार पर, किस मॉडल के आधार पर, फ्रेंच मॉडल का मतलब क्या होता है, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उन्हीं को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है किसके अध्यक्ष ग्रुप में। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे और आपको पता ही होगा सच्चिदानंद सिन्हा ही पृथक बिहार के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान सभा की कार्यवाही का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। कब से, 13 दिसंबर 1946 से। और दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, और 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और केसी मुखर्जी को क्या चुना गया, उपाध्यक्ष। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, संविधान के पटल पर रखा। कहता है के एम मुंशी के ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। संविधान का सुचारू संचालन, 13 समितियों का गठन हुआ। बी एन राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। भारतीय संविधान का प्रारूप बी एन राव ने तैयार किया। कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया, तो बी एन राव ने, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया, बी एन राव ने तैयार किया। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब, 29 अगस्त 1947 को, और अंतिम रूप उत्तर आई। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष इसे बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इसीलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था साथियों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिया है वो बहारा है। अतः क्या कीजिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। और बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अपने गुरुजी के टाइटल अम्बेडकर को अपने नाम के पीछे जोड़ लिया क्योंकि वो महार जाति से थे, और महार जाति से होने के बावजूद भी उन्हें क्या किया गया, बेहतर शिक्षा दी गई। संविधान सभा में अम्बेडकर का चुनाव कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। और जब पश्चिम बंगाल क्या हुआ, पूर्वी बंगाल हुआ था, सॉरी पूर्वी, और जब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन जाता है तो फिर इनका महाराष्ट्र होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मदुल्ला और बी एल मित्र। बाद में इसके स्थान पर एन माधव राव आए थे क्योंकि त्याग पत्र दे दिए। और डीपी खेतान, इनकी मृत्यु टीटी कृष्णाचार्य, इनकी मृत्यु पर क्या हुए थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उनके बाद टीटी कृष्णाचार्य सदस्य बने। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो डीपी खेतान की। और कौन त्याग पत्र दे दिया था, तो बीएल मित्र। तो बीएल मित्र के जगह पर कौन आया था, एन माधव राव, और डीपी खेतान के जगह पर क्या आया था, टीटी कृष्णाचार्य, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और कुल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। ओके, अन्य प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान को अंतिम रूप 3 वाचन के पश्चात दिया गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही कांग्रेस क्या मना रही थी, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना रही थी। इसलिए कांग्रेस ने विचार किया कि संविधान को 2 महीना बाद 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। उसी दिन नागरिकता, तो 26 नवंबर को क्या क्या लागू हो गया था, तो नागरिकता, ओके, निर्वाचन प्रणाली तथा अंतरिम संसद से जुड़े 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद, 15। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा अंतिम संसद में परिवर्तित हो गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, सीवान के जीरादेई गांव में। तो बोलिए क्या सही है, हाँ गुरुजी।
वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत को कोसने से कुछ नहीं होता है। मोहब्बत उनसे ही होती है जिनका मिलना नसीबों में नहीं होता है। संविधान परिवर्तन की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, वैसे तो संविधान के कुछ भाग में 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माण के उपरांत ही लागू कर दिया गया। संविधान सभा के पहले प्रवक्ता कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। संविधान सभा के कुल 15 महिला सदस्य थे। 15 महिला सदस्य में आपका कौन था? सरोजिनी नायडू थी, अमृता कौर थी, सुचिता कृपलानी थी। ये सब कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में थी। ओके, कहता है संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे तथा इस पर 63,96,796,729 रुपये खर्च हुए। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन में हस्ताक्षर किया गया तथा 165 बैठकें हुई। केवल प्रारूप तैयार करने में 114 दिन तक बहस हुआ। प्रारूप तैयार करने में कितना दिन बहस हुआ? 114 दिन। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी 444 के आसपास अनुच्छेद हो गया। भाग आपका 22 ही है, लेकिन सब भाग जोड़ के 25 हो गया और अनुसूचियां कितना हो गया? 12। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 1952 में आम चुनाव से पहले तक अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। अंतरिम संसद के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। किसे? गणेश वासुदेव मावलंकर को। ओके, लद्दाख, एक संक्षिप्त अवलोकन। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत, लद्दाख जो है इस तरह से, लद्दाख उत्तर में कौन है? उत्तर में यहां पर क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में हिमालय, नीचे क्या है? हिमालय, बृहत हिमालय के बीच है। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, कब? अगस्त बोलिए, 5 अगस्त को। 5 अगस्त 1919 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर किया, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक शीत रेगिस्तान क्षेत्र है तथा यहाँ का प्रमुख नगर या पर्यटन स्थल क्या है? लेह है। और लद्दाख की राजधानी भी क्या है? लेह है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती तथा लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलाने का इंतजार करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म के भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है जो काफी महंगा होता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, जिस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के पास गानों और कविताओं का समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कैसर सागा लद्दाख में काफी लोकप्रिय है। भारत धर्म की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है आत्मसरिताकरण। विश्व में लगभग मुख्य रूप से 8 धर्म पाए जाते हैं। इन सभी धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इसे पूर्ण रूप से भारतीय जननाट्य संघ कहते हैं, यह नाट्य कला कार्यशाला आयोजित करता है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। बहुत बार एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का फैक्ट है। और भारत की खोज पुस्तक के अनुसार भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं बल्कि आत्मसातीकरण की भावना से प्रेरित है। इसमें विविधता की पहचान और प्रोत्साहित किया गया है। भारत का संविधान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, जिसको गाने में कुल कितना समय लगता है? बिल्कुल सही, 52 सेकंड। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक ना? तो भारत हवा, और उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, आपका एशिया के पहले व्यक्ति जो क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार जीते थे साहित्य के क्षेत्र में अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए। और ये एक ऐसे व्यक्ति है जो 2 देशों का राष्ट्रीय गान को लिखे हैं, भारत का और बांग्लादेश का, अमार सुनार बांग्ला। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि में अपराह्न में इसी मंत्रिमंडल ने शपथ ली। अब कहता है देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडलीय विषय वन सुरक्षा के। बलदेव सिंह जो है प्रथम रक्षा मंत्री बने थे, बलदेव सिंह। ओके, कहता राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्रिमंडल में शामिल पहली महिला सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर बीर आर अम्बेडकर कानून मंत्री। आर के प्रसन्न मुखम चेट्टी। आजाद भारत का पहला वित्त बजट इनके द्वारा ही पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा, और भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा, ठीक ना?
राड़ के प्रसन्न मुखम सेट्टी, वल्लभ भाई पटेल गृह एवं उप प्रधानमंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग मंत्री। और ये 1956 तक उद्योग मंत्री रहते हैं। जगदीवन राम सर्व मंत्री थे, बिहार के कहां से, सासाराम से संबंधित। आई आर किदवई संचार मंत्री, कता जी भी गोडगिल खान ऊर्जा मंत्री, जी एच गामा वाणिज्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ये हमारे बिहार के हैं, ये हमारे बिहार के हैं, ये दोनों क्या है, विशेष इंपॉर्टेंट है। जगदीवन राम सर मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, और क्या है आपका, अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। ओके, संविधान एक दृष्टि में कहता है कुल सदस्य संख्या 389, ठीक है, कितने 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 आया था, देश रियासतों से 93 और कमिश्नरी से 4। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जीते थे, 208, मुस्लिम लीग के 73 और निर्दलीय 8। कहता है संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, सामान्य कितना था 213, मुस्लिम कितना था 79 और सिख 4। महिला सदस्य कितने थी 15, अनुसूचित जाति के थे 26 और अनुसूचित जनजाति के थे 33। कहता है संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान में दो प्रमुख स्रोत है, एक है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935, और यही से हमने क्या किया है, 70% संविधान को कॉपी कर लिया है। कहता है डीडी बसु का मानना है कि भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा, लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिया गया है। इस संविधान को अकेला भी सबसे बड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्रोत है। अतः आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही सम्मिलित रूप से क्या है, विदेशी स्रोत। संविधान विदों ने अन्य देशों के क्या है, उपयोगी प्रावधानों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया, जैसे ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकीकृत नौकरशाही, ये सब हमने कहां से लिया, ये सब हमने लिया ग्रेट ब्रिटेन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए एक नंबर क्या है पक्का। और अगर ना आए, अगर ना आए तो फिर हमें आप कहिएगा और कमेंट में 50 गाली लिखिएगा, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। कोई नहीं रोक सकता है इसको परीक्षा में छपने से। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक। न्यायिक पुनर्वलोकन 139 के तहत कौन कर सकता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, और उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड। तथा नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य, कला, दर्शन। तो कहता आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व DPSP, जिसमें क्या है, भारत की सरकारों का आदर्श है, आदर्श। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति राज्यसभा के शिक्षा, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से, यहां से लिया गया। क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं दिए हम दे देते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य यहाँ से होंगे, शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और कला, विज्ञान आदि से ख्याति प्राप्त लोगों को 12 सदस्यों का मनोनयन। फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक प्रणाली, और फ्रांस से लिया गया समाजवाद, भाईचारा, बंधुत्व का नारा। कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, कनाडा से ली गई, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, किसमें है, भाग 18 में है, आर्टिकल 368 में है, भाग 20 में, आर्टिकल 368 में। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि। जर्मनी से लिया गया आपातकालीन उपबंध, भाग 18 में, कितने आपातकालीन उपबंध है, बिल्कुल सही, वित्तीय है, आंतरिक अशांति के आधार पर है, बाह्य अशांति के आधार पर है, 3 तरह का आपातकाल की चर्चा है। रूस से लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य, तथा राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य चिन्ह। 26 जनवरी 1950 को भारत ने सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक का, जो आपको क्या है आपके थंबनेल में दिख रहा होगा बैकग्राउंड में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ का उत्कीर्ण 4 सेल वाली आकृति को राज्य चिन्ह में अपनाया। इस आकृति के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडोक प्रतिशत से लिया गया, कहां से लिया गया, मुंडोक प्रतिशत से। राष्ट्रध्वज, संविधान ने 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया। राष्ट्रध्वज में 3 रंगों की पट्टी है, सबसे ऊपर गहरा
केसरिया शौर्य का प्रतीक है, बीच में सफेद सच्चाई ईमानदारी का प्रतीक है तथा नीचे तो कब अपनाएगा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है याद रखना है, और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाएगा 26 जनवरी 1950 को याद रखना है, और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माणकर्ता कौन थे तो पहले पिंगली वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया महोदय ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। चौड़ाई कितना होगा 2 और लंबाई कितना होगा 3, 3:2 में, ओके। और राष्ट्र ध्वज को स्टुटगार्ट में 1907 में कौन फहराया था तो डॉक्टर दादा भाई नेहरू जी की निजी सचिव मैडम भिखाजी कामा, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की माँ भी कहा जाता है, ओके। तो राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। टैगोर की रचना तत्वबोधिनी से लिया गया है, कहां से लिया गया तत्वबोधिनी से। इसका पहला गायन कब किया गया था 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे आप लोग को छापना है, कौन थे शायद दिनेश बाचा थे कि कोई थे आई डोंट नो आई फॉरगेट दिस थिंग्स। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, इसका गायन 52 सेकंड में और 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया। कब राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयम शीतलम मातरम, वंदे मातरम शुभ ज्योति सन पुलकित यामिनी पुलस्कुसुमित दुम्नदल सोमनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी मातरम, वंदे मातरम। इसको गाने में कितना सेकंड लगता है 65 सेकंड लगता है। इसे पहली बार कब गाया था 1896 में, इसके इस समय अध्यक्ष हमको पता है कौन था, रहीम तुल्ला सियानी जी थे, ओके। और कलकत्ता में गाया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसको भी अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ सख संबंत पर राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया। सख संबंत की स्थापना 78 ईस्वी में कौन किया था, कनिक्स ने। सख संबंत कौन बनाया था, कनिक्स, कब बनाया था 78 ईस्वी में। इसे सरकारी प्रयोग होते 22 मार्च 1957 को लागू किया गया, कब 22 मार्च 1957 को। सामान्य वर्ष 21 मार्च तथा लिपि 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जनगणमन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पंचांग सह संबंध, राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से, ओके। राष्ट्रीय वाक है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीयता है भारतीयता, और भारत के नागरिक को सिर्फ एक ही आई कार्ड मिलता है भारत का, चाहे आप बिहारी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सभी क्या है भारतवंशी है। और भाषा के आधार पर लोग बोल देता है कि रउआ देखा था नहीं हम बिहारी बा, हम मैथिली से हैं, लेकिन सब क्या है एक है। राज्य की भाषा है हिंदी, राज्य की लिपि है देवनागरी, राष्ट्र ध्वज और वंदना है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, लेकिन राष्ट्रपिता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विदेश नीति है गुट निरपेक्ष की, राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, लास्ट बार 2019 में दिया गया है नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी को। राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र, राष्ट्रीय वृक्ष है बट वृक्ष, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, रुपया का सिंबल डी उदय कुमार ने दिया था इस तरह से। राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, और हाथी सर्वेक्षण का 1992, बाघ सर्वेक्षण 1973, ओके। और गंगा डॉल्फिन जो है ये 2005 में अपनाया गया है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर अपनाया गया था, ओके। तो ये थी आपकी क्या थी चैप्टर 2, आइए मास्टर क्लास है चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। कहता है संविधान की अनुसूचियां प्रस्तावना संघ एवं राज्य क्षेत्र का गठन, ओके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से एक प्रश्न, हर चैप्टर से प्रश्नों का दायित्व है, 1 से 2 प्रश्न यहां से रहेगा, 1 से 2 प्रश्न पक्का पक्का पक्का, नोबडी कैन क्या है डाउट फॉर दिस, कोई इस पर शक नहीं कर सकते हैं। संविधान की अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी 8 थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है 12 है, पहली अनुसूची में क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लंघन उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री न्यायाधीश आदि, ठीक ना। दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन और भत्ता, प्रथम अनुसूची में क्या है 7 राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में देखिए यहाँ पर गलती है, वर्तमान 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिलाने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और इसका ट्रिक आपको हमारे चैनल के शॉर्ट्स में मिलेगा। चलो दिल दे अब लद्दाख जाके, ठीक है।
दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन संबंधी प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला शपथ ग्रहण है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किसमें है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति प्रशासन संबंधी उपबंध किसमें है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी क्षेत्र। छठी अनुसूची में अमे मित्र असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में। इसका हमने ट्रिक भी आपको कई बार दिया है, अमे मित्र, अमे मित्र, अमे क्या है, असम की भाषा है, मित्र मतलब दोस्त होता है। सातवीं अनुसूची विषयों का विभाजन है, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 60 विषय है। संघ सूची पर कानून सिर्फ संघ केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, और समवर्ती सूची पर कानून सभी मिलकर बना सकते हैं। ओके, 1976 में पूर्व संघ सूची से 97 विषय थी, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 46। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, और क्या क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कि शिक्षा का अधिकार, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, ये सब को क्या क्या समवर्ती सूची में जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, परंतु 22 अभी वर्तमान में कितना है, 22 भाषा है, तो 15वीं भाषा क्या बनी, सिंधी, किसके तहत जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद क्या है, 16वां कोंकणी, 17वें मणिपुरी और 18वां मणिपुरी, ये जोड़ा गया आपका 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 2004 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये दोनों को जोड़ के 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया आपका क्या चीज, बोर्डवास मैथिली, मैथिली किनुनु की गुरु जी, ठीक छे, समझ में आ रहा छे, ऐसे होता है कुछ मैथिली, हम बिहार के अंगिका प्रदेश से हैं, हमको अंगिका बोलने आता है, हल्का फल्का भोजपुरी आता है, लेकिन शुद्ध मैथिली बोलने नहीं आता है, ठीक ना। तो आप लोग जो भी मैथिली के हमारे प्यारे गुरुजी देख रहे हैं, मैथिली क्षेत्र के जो सीतामढ़ी के हैं, जो आपके समस्तीपुर के हैं, दरभंगा के, तो एक आपको मैथिली में कमेंट कीजिए कुछ अच्छा। डोगरी और बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, का रउआ तनी रउआ लोगन के का समझ में आवा, मैथिली भोजपुरी अंगिका मगधी ये सब का है, बिहार की भाषाएं हैं, और समृद्धि भाषाओं में बिहार क्या है, समृद्धशाली प्रदेश है। नौवीं अनुसूची इसे किसके द्वारा, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है, तथा जमींदारी उन्मूलन भूमि अधिग्रहण इसकी विशेषता है। इस अनुसूची में किसी विषय को डाल देने पर वह विषय न्यायालय की चुनौती से बाहर हो जाता है, नौवीं अनुसूची। कहता दसवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची को कौन जोड़े थे, राजीव गांधी, ठीक है। दल बदल कानून है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कहता है इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, वर्तमान में पंचायतों की संख्या कितनी है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, किसे, 11वीं अनुसूची को, और इसमें कुल कितने विषय है, 19 विषय है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 12वीं अनुसूची, इसमें नगर प्रशासन नगर पालिका इत्यादि नगर निगम का वर्णन है, इसमें तहत नगर प्रशासन में 18 विषय है, कितने विषय है, 18 विषय है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया। ओके, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा देख लीजिए, असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, तो बिहार वाला भाषा के यहाँ घेरते जाएंगे। पहला भाषा हिंदी, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, बिहार के कुछ भाग में नेपाली भी बोला जाता है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा। डोगरी कहाँ बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। बोडो मैथिली कहाँ बोला जाता है, बिहार में। संस्थाली कहाँ बोला जाता है, झारखंड में। इस तरह से क्या है, बिहार का एक नंबर का भाषा हिंदी, दो नंबर का भाषा है उर्दू। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, भारत प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का कुंजी। बेरुबारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है, अतः और यहाँ शब्द अस्पष्ट अस्पष्ट पाए जाए, अर्थात उनका अर्थ ना स्पष्ट हो, तो प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिन पर सरकार को कार्य करना है, यह संविधान के मूल आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना। साथ ही कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है फिर भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा तीन शब्द जोड़े गए, कौन उसको शब्द, समाजवादी, धन निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, कितने शब्द, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तीन शब्द, ठीक है ना। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहते थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों के निहितार्थ, हम प्रस्तावना यह याद है आप लोगों को, हम भारत के लोग, भारत के प्रभुत्व संपन्न संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, ये सब क्या है, प्रस्तावना याद कर लेना है। हम भारत के लोग का अर्थ है भारत की जनता, भारत की शक्ति, संप्रभुता का अर्थ है जैसे अभी अमेरिका या यूरोप का देश भारत को आंख दिखा रहा है, कहता है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अरे भैया हम सोवरेन कंट्री है, संप्रभु राष्ट्र है, हमारा मन हम जिससे खरीदना है उससे खरीदेंगे, तू कौन होता है रोकने वाला, कौन, मैं नहीं तो कौन भे? मैं नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, रूस के साथ अपना रिश्ता है। लेकिन यही है कि भारतीय सरकार रूस से इतना सस्ता तेल खरीदने के बाद भी बाइक चलाने से पहले क्या समझ गए, हाँ तेल भराने के लिए सोचना पड़ता है बेरोजगारी में। और आप लोग खूब दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, अभी तक 4000 घंटा पूरा आए नहीं, चैनल को मोनेटाइज करवाए नहीं, कैसे कुछ होगा, दो पैसा उधरों से नहीं आ रहा है। समाजवादी का अर्थ, भारतीय समाज में व्याप्त सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति एवं समानता के अंतर्गत उत्पादन व वितरण सामाजिक सार्वजनिक नियंत्रण होता है समाजवादी का अर्थ। और समाजवादी विचारधारा कहां से लिया गया, रूस से। पथ निरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म और राजनीति का एक दूसरे से अलग होना, पंथ मतलब होता है व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसका पंथ कोई भी हो, लेकिन क्या है, भारत का अपना कोई पंथ नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो भारत क्या है, एक सेकुलर राष्ट्र है, धर्म विहीन राष्ट्र है। गणतंत्र का अर्थ होता है, देखिए गणतंत्र और जनतंत्र, जनतंत्र मतलब होता है शासनाध्यक्ष, शासना अध्यक्ष चुना हो, और गणतंत्र मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि यहां पर हुआ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुना है तो हम लोग क्या है, गणतंत्र है, और प्रधानमंत्री चुना है तो हम लोग क्या है, जनतंत्र है, ठीक ना। तो अतः क्या है, जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है ना कि वह वंश के क्रम में आधारित होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यह क्या है, गणतंत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग एक, कहता अब हम लोग पढ़ेंगे भाग, वर्तमान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है साथियों, और इस भाग को आप डिटेल से पढ़ रहे वाले हैं। और आप लोग एक चीज गौर किए थे कि अब जो ये भाग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, इसको पढ़ते हैं। पहला है अनुच्छेद एक के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके। अनुच्छेद दो के अनुसार संसद कानून बनाकर संघ में किसी नए राज्यों को शामिल कर सकती है, बस छोटा सा कानून बनाना है, कोई संशोधन। अनुच्छेद तीन के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है, नाम भी बदल सकती है, और इसका कितने बार प्रयोग किया जा चुका है, 19 बार प्रयोग किया जा सका है चुका है। और अनुच्छेद चार के अनुसार दो और तीन के तहत निर्मित विधि साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 368 में वर्णित। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत नहीं, बल्कि दो और तीन में आम बहुमत से, मतलब आधे से एक अधिक व्यक्ति अगर वोट कर दे तो संविधान नए राज्य को शामिल भी किया जा सकता है और नए राज्य बनाए भी जा सकते हैं, और क्या है, राज्यों का नाम भी परिवर्तित किया जा सकता है। देशी रियासतों का एकीकरण, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहते हैं। स्वतंत्रता के समय विभाजित प्रदेश भारत में कितने राष्ट्र थे, 9 ब्रिटिश प्रांतों में 542 देश रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, 542, इसमें 839 स्वतंत्रता से भारत में विलय, 539 जो है वो क्या करते हैं, स्वेच्छा से भारत में विलय कर जाते हैं, कैसे, स्वेच्छा से भारत में विलय कर जाते हैं, और शेष तीन भारत में विलय नहीं करता। ये तीन कौन है, सबसे पहले जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहाँ है स्थित, ये जो आपका गुजरात का भाग है यहीं पर है जूनागढ़। हैदराबाद, हैदराबाद को कैसे किया जाता है शामिल, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा, किसके द्वारा, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भी शामिल कर लिया जाता है, ओके। ठीक,
और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया जाता है, और इस समय जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो। क्या किया जाता है, हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया जाता है। अब आप पूछिएगा, सर हैदराबाद में बिरयानी की कंट्री में मोहम्मद सिराज के घर में गए, देखे थे आरसीबी सब गया, बिरयानी खा के आया, पुष्ट मारा, जीत गया। लेकिन जब दोबारा मैच था बेचारा हार गया, और आरसीबी का क्या है, लके खराब है मैं हूं है? गुरु जी साहब बताइए, आप लोग एकदम पक्का गुरु जी, अगर यहां तक कोई भी हमारे गुरु जी टिके हुए हैं तो वो क्या है, 110% गुरु है, गुरु 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 गुरु। और ऑपरेशन पोलो, क्योंकि यहाँ क्या है, पोलो का बहुत सारा मैदान था। और कहा जाता है कि हैदराबाद के नवाब जो है क्या है, हेलीकॉप्टर में सोना भरकर भागा था। जम्मू एवं कश्मीर काबिलिया आक्रमण के पश्चात अधिमिलन का पत्र हस्ताक्षर करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर समकालीन राजा हरि सिंह ने किया, जिसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में विशेष रूप से जोड़ा गया। इस सभी को मिलाकर चार प्रकार ए बी सी डी के राज्यों का गठन हुआ। एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष कहते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में भाषाई आधार पर तीन राज्य बने थे, बिहार, उड़ीसा और असम। असमिया भाषा के लिए, उड़िया भाषा के लिए और बिहारी हिंदी भाषी क्षेत्र। भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को देखते हुए आजादी के पश्चात कई आयोग गठित किए गए। प्रथम आयोग था एस के धर की अध्यक्षता में गठित की गई, इसने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को ठुकरा दिया ताकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य पुनर्गठन की वकालत की जा सके। इसका सुझाव पर परीक्षा हेतु जेपीबी समिति, किसने, कौन सा, एस के धर समिति का संबंध किसे था, राज्य पुनर्गठन से। उसके बाद जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया, ये सब शामिल थे। इस समिति का संबंध भी किससे था, राज्य सुधार से, ओके, और वल्लभ भाई पटेल। समिति गठित हुई, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मांग को क्या क्या ठुकरा दिया। इसी बीच तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पृथक मांग करते हुए अंसर पर बैठे पोट्टी सिरारामुलु की 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई, और जिससे आंदोलन तीव्र हो गया, और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य की सीमा काट कर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया गया, जिस राज्य का नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। और 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश का भी टुकड़ा कर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तथा भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य था। पुनः इसके लिए न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, इसमें 2 अन्य सदस्य हृदयानंद कुंजरू एवं ए.के. परिकर थे। इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करते हुए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया गया। कुछ संशोधन सहित भारत सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके अंतर्गत 4 राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य, 14 राज्य 1956 में, कितने राज्य, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें समिति कौन था, फजल अली आयोग की समिति पे, ठीक ना, एस के धर वाला तो नहीं माना, लेकिन फजल अली की सदस्यता में आयोग गठित किया गया था। हैं, तो ये फजल अली आयोग, जिसमें 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंदरू एवं के एम परिनेकर। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन हजारों बार पूछ चुका है। इसके पश्चात 1956 में फ्रांस द्वारा चंद्रनगर, माहे, यमन तथा करिकाल बस्तियां प्राप्त करने के लिए 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी का नया नाम गठन किया गया। 1961 में पुर्तगाल पर सैन्य कार्रवाई कर गोवा और दमन और द्वीप को प्राप्त किया गया तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बम्बई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 में मराठी हेतु महाराष्ट्र और गुजराती हेतु गुजरात राज्य बना। 1966 में पंजाब को विभाजित कर पंजाबी भाषा के लिए पंजाब और हिंदी भाषा के लिए हरियाणा बनाया गया। 1975 में 22वां राज्य सिक्किम और 1987 में 25वां राज्य गोवा बना। 75 में 22वां राज्य बना, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को 1 वर्ष के लिए जोड़ा गया, और फिर 36वां में संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 25वां राज्य क्या बना आपका, गोवा वाले बीच पे फोटो खींचेंगे खींच के। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की सीमा काट कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराचल राज्य बना, यूपी को काट कर 27वां राज्य। और 15 नवंबर को झारखंड को क्यों अलग किया गया, क्योंकि 15 नवंबर को वीर बिरसा मुंडा का जन्मदिवस है, और बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर भारत सरकार अब कौन सा दिवस मनाता है, बिल्कुल जनजातीय गौरव दिवस। 28वां राज्य बना, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को पृथक कर 29वां राज्य बना। और फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था साथियों, 5 अगस्त आ गया, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया गया, और जो एक राज्य था आपका जे एंड के, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट गया, लद्दाख
और आपका क्या थे, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तभी वर्तमान में राज्य कितने हो गए हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8। और फिर क्या किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, तो दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप को मिलाकर क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2000 को। और आपको दो को तो बताइए दिए, ठीक ना। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक, तो कहिएगा जब संविधान लागू था ना तो ये 21 वर्ष था, कितना वर्ष था, 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, क्या किया गया इसे 1988 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा इसे घटाकर, और 89 से लागू हुआ, इसे घटाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो व्यक्ति मताधिकार गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से सम्मान योग्य रखना। संविधान यह एक दस्तावेज है, संविधान क्या है, संविधान इज ए रूल बुक ऑफ कंट्री, जिसके आधार पर रूल चलता है। आपको पता है कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री कहाँ आए थे, बिहार आए थे, और उन्होंने कहा था कि बिहार को बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र, भारत को बनाएगा हिंदू राष्ट्र। तो आपके प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो तब ना बनाइएगा जबकि संविधान को निपटा दीजिएगा, तब मनुस्मृति चलेगा। तो संविधान हमारा क्या है, दस्तावेज है। देखिए पंडित धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जो है बहुत ही अच्छे आचार्य, हिंदू धर्म के फार ब्रांड नेता की तरह भाषण देते हैं, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई के सानिध्य में चलता है। एक बार हमने थोड़ा बहुत हिंसा किया था, एक जो हमसे अलग हो गया पाकिस्तान, अगर आप सोच कर देखिए अगर अभी पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ा रहता तो हम मध्य एशिया से डायरेक्ट जुड़े रहते और रूस से डायरेक्ट जुड़े रहते, अभी हमको कितना फायदा होता, पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए क्या। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, इस आंदोलन को जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में अंत में हुआ था, जिसमें अमेरिकी अफ्रीकन को नस्ल भेद के भेदभाव समाप्त कर, सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें स्कूल अस्पताल टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है, इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। और निजी वह सेवा कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी के, चिकित्सा पर्यटक ये हुए विदेशी पर्यटक है जो देश के अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, और संचारणीय बीमारियां वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में के माध्यम से संचारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संक्रमक बीमारी, ओपीडी क्या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य है निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड सदस्य चुनने के लिए उसी वार्ड का सभी व्यक्ति होगा। बहुमत का तात्पर्य है 50% से 1% मत ज्यादा, यानी कि 50 से 1 अधिक वोट, 50% से एक अधिक वोट क्या कहलाता है, बहुमत। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य है उन चुने हुए प्रतिनिधि से जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार को लिए है। आपको पता है अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष जताने के लिए बताने और उसमें प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि मीडिया अस्मिता पहचान, यह एक प्रकार के स्वयं की अस्मिता की प्रश्न की बात है। ओके, कहता है दोहरा बोझ, कहता है शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दो गुना वजन, समानता इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए किया जाता है, यह तत्व को स्वीकार करता है कि महिला आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य समय देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं जैसे संभालना, ख्याल करना, अवमूल्यन, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तो वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। रूढ़िवादी धारणा, वैसी धारणा जिसमें क्या हो
जेंडर वाइज हो कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकता है, या कोई जाति ये काम नहीं कर सकता है, या कोई संप्रदाय ये काम नहीं कर सकता है, ये सभी क्या है, रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। भेदभाव, भारतीय संविधान में भेदभाव की मना ही है, आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन फिर भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे उल्लंघन, किसी भी कानून का उल्लंघन, यौन उत्पीड़न, इसका आश्रय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक, और यौन प्रताड़ना जो है सिर्फ औरत को ही नहीं, किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है। प्रकाशित, इसका तात्पर्य समाचार, रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार। प्रकाशित, सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार कुछ ऐसे मुद्दा जो कि गलत और भ्रामक होते हैं उस पर सेंसरशिप करता है, फिल्मों के पहले उसका सेंसरशिप होता है। प्रसारण, इस पाठ में शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के प्रशासन के लिए होगा। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर विरोध करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक विरोध कहेंगे। ओके, ये सब कुछ शब्द है जो आगे आएगा आपको, तो इसलिए समझा दिया गया। प्रभावित करना पता है, जीवन शैली पता है, थोक पता है, थोक मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बाजारों का श्रृंखला, क्या है, जिनिंग मिल या फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किया जाता है, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, जिनिंग मिल कहते हैं। मुनाफा, जो आमदनी हुई है उससे सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि को क्या कहते हैं, मुनाफा। मनमानापन का पता है, आदर्श का पता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पता है, भारतीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था, इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट थे। राज व्यवस्था, पॉलिटी, इसका आश्रय एक ऐसे समाज से है जो भारतीय संविधान संरचना संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र संप्रभु। मानव व्यापार, इसमें आर्टिकल 23 में पढ़ेंगे, मानव व्यापार, मानवों का निरंकुशता का मतलब क्या है, क्रूर व्याख्या और स्वतंत्र हस्तक्षेप का मतलब और स्वीकृति का मतलब, ये सब पता है। अब हम लोग चैप्टर पर मूव करते हैं, या और देखिएगा ऊपर देख लीजिए, ये सब भी क्या है, गठबंधन का मतलब है दो से अधिक व्यक्तियों का क्या है, मेल। उसके बाद क्या है, विकास क्रम का मतलब क्या है, विकास। उसके बाद आपका क्या है, राजद्रोह का मतलब है देश के साथ गद्दारी करना। 1870 में राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह का व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। राजद्रोह किसके तहत आया था, 1870 के तहत, और इसी 1870 के बाद जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसमें राजद्रोह का बात था। दमनकारी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को। बरी करना का मतलब आजाद कर देना। अपील करना मतलब अदालत में अपील करना। मुआवजा मतलब नुकसान के क्षेत्र में मुआवजा। बेदखली मतलब किसी जमीन या मकान से बेदखल करना। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ना। क्या आप जानते हैं 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के स्वराज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वां, ये जब हम सिक्किम के बारे में करा रहे थे तो आपको ये हम करा दिए थे लेकिन सर ने यहाँ फिर से दिया है, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कितना नंबर का राज्य, 22वां राज्य बनाया गया। ओके, और यूपीपीसीएस मेंस में 2005 में 1987 में मिजोरम में 23वां तथा अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य का पूर्ण राज्य, और 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ओके, आइए अब आज का हमारा अगला विषय क्या है, नागरिकता और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, तो भाग दो में, कहाँ है, भाग दो में है, और अनुच्छेद कहाँ से है, तो 5 से लेकर 14 तक, भाग दो अनुच्छेद 5 से 14 तक। ओके, भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जिसकी व्यवस्था हम लोग कहां से लाए हैं, यूके ब्रिटेन से लाए हैं, कहां से लाए हैं, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, इसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, जन्म द्वारा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके दो अपवाद हैं, राज्य नायकों के बच्चे और विदेशी क्षत्रियों के बच्चे। इन्हें क्या होगा, मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का राजनायक है भारत में आकर क्या कर रहा है, अपना राजदूत कर्म निर्वाह कर रहा है, और उसे क्या किया गया, उसके बच्चे हो गए, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा, नहीं। और पाकिस्तान का कोई आदमी है विदेशी विरोधी है तो उसका भी नहीं। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान किया जाता है, जन्म के द्वारा, 26 जनवरी 1950 के वंश के द्वारा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो मगर उसके माता पिता में से कोई एक का हो भारतीय हो। देशीकरण के द्वारा इसके तहत निम्न शर्तों के साथ आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 12 वर्षों के बाद उसे भारत में रह रहा हो
और इसी 12 वर्ष को घटाकर मोदी सरकार ने 5 वर्ष कर दिया था। किसके तहत? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, तो जो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण से नागरिकता प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति, उसके माता पिता या पिता माँ अविभाजित भारत में जन्मे हो, आवेदन के 6 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, और वह स्त्री जिसने भारतीय नागरिकता से विवाह कर ली हो, राष्ट्रमंडल देशों को ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो, अर्जित भूभाग द्वारा, मान लीजिए भारत क्या है, बेरुबारी बाद में, या फिर जो आपका क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के साथ जो भूमि का आदान प्रदान हुआ, तो उस भूमि का आदान प्रदान से जो भाग भारत में आ गए, वहां के आने वाले नागरिक क्या हो गए, स्वतः भारतीय हो गए। ओके, उसके बाद कहता है, क्या आपको पता है लक्ष्मी मल सिंधवी समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को कहते हैं। मतलब वैसे भारतीय जो आज से 10 साल 15 साल पहले भारत चले गए और विदेशों में जाकर खूब धन कमाया, उन्हें ओवरसीज OIC कार्ड दिया जाता है, ताकि वो इजिली भारत में आ सके और भारत में निवेश कर सके, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कर सके, गति प्रदान कर सके। कहता नागरिकता का परित्याग, तो नागरिकता का परित्याग तो एक तो स्वेच्छा से किया जा सकता है, ओके, और अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, और सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, ठीक है, सरकार क्या कर दे, वंचित कर दे तो भी, और भारत से लगातार, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज ही सेट में जब करा रहे थे आया था, भारत से लगातार 7 साल तक बाहर रहने पर और भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर और युद्ध के समय शत्रु की मदद करने पर भी नागरिकता छीन ली जाती है। नागरिकता कानून में संशोधन 1992 में संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत भारत में बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ भारत की नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व केवल उसी दशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। अब प्रियंका गांधी का बच्चा को क्या होगा, भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, किसके तहत, 1992 के भारतीय नागरिकता अधिनियम तहत। यदि किसी व्यक्ति ने भारत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। प्रवासी भारतीयों व विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, और लक्ष्मी मल सिंधवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस विधेयक को क्या किया गया, तैयार किया गया। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करके 16 देशों स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। नागरिकता अधिनियम 2003 और 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को दो प्रकार के कार्ड प्रदान किए गए, PIO और OCI कार्ड। नागरिकता अधिनियम 2015 के अंतर्गत इन दोनों कार्डों का विलय कर दिया गया और एक कार्ड बना गया OIC, और इसके तहत क्या है कि आप सिर्फ वोट नहीं डाल सकते हैं और चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, बाकी भारत के नागरिक को मिलने वाला सारा अधिकार OIC कार्ड धारक नागरिकों को है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु भारत में इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, भारत में किसी संवैधानिक पद पर प्राप्त नहीं होगा। क्या आप जानते हैं केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों एवं उसके परिवार को दो तरह की योजनाएं उपलब्ध कराती है, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ ओरिजिन कार्ड और विदेशी नागरिक कार्ड OIC कार्ड। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में PIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, तथा OIC क्या है, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजनाओं को विलय कर दिया गया। ओके, कहता है मौलिक अधिकार भारत का क्या कहा जाता है, इसे मेगना कार्टा, क्या कहा जाता है, मेगना कार्टा। और मेगना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1214 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने पहली बार ब्रिटेन के नागरिक को कुछ अधिकार दिया था, और जिसे क्या कहा गया था, मेगना कार्टा। तो भारत उसी के समय से बाद से जो भी अधिकार मिलता उसे क्या कहते, मेगना कार्टा। प्रथम औपचारिक तौर पर मौलिक अधिकार की मांग 1915 ईस्वी में एनी बेसेंट ने किया। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया, कहां से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का मांग जो है किसने किया था, एनी बेसेंट ने 1915 में, और आपका एनी बेसेंट के साथ साथ मौलिक अधिकार का लिखित मांग पहली बार किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट में था। संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है, साथ ही विशेष परिस्थिति में इसका स्थगन भी कर सकती है। अंबेडकर ने मूल अधिकार को भारतीय संविधान का सबसे अलौकिक भाग कहा, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी
कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अंत कर दिया गया। अब यह विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 301 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 किसके द्वारा, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या किया गया, आपका विधिक अधिकार बना दिया। मूल अधिकार का वर्गीकरण, तो मूल अधिकार वर्तमान कितने तरह के हैं, 6 तरह के हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ओके। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को। क्या साथियों, गुरु जी, प्यारे गुरु जी, इतना देर टिके हैं, पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्यों में कोई व्यक्ति विधि के समक्ष समानता से तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो 14 में क्या है कि विधि के समक्ष, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, DM हो, DSP हो, हिजड़ा हो, छक्का हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी के क्या है, विधि के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। नोट, परंतु यह अनुच्छेद स्त्री, बच्चों एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है तो विशेष उपाय करने से रोक लगाती है। इसी के तहत दुकान, सार्वजनिक व मनोरंजक स्थल, राज्य निधि से पोषित कुआं, तालाब के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, ओके। अनुच्छेद 16 के अनुसार है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन आप कहिएगा सर, लोक नियोजन में अवसर की समानता है तो फिर आरक्षण कहां से है, महिलाओं को 50% कहां से है? देखिए, जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के पक्ष में सरकार क्या कर सकती है, इसे उल्लंघन कर सकती है, ठीक ना। तो सामाजिक न्याय एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया, अपरिष्टता का अंत, छुआछूत। सरकार ने अपरिष्टता अधिकार अधिनियम 1955 बनाया, जिसे संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया, ठीक ना। अब क्या है अपरिष्टता का अंत, इसके पक्ष में कौन थे, तो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक ना। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, मतलब क्या है, जैसे जैसे कोई आदमी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, श्री श्री 108 आराधाधिराज सर्वेश कुमार, क्या होगा, ये गलत होगा, सिर्फ श्री सर्वेश कुमार या सर्वेश कुमार, आपका प्यारा भाई आपके लिए करा रहा है इंडियन पॉलिटी। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो कर लिए होंगे अगर लाइक, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए, सर सर सर, भाई भाई भाई, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरुआइन गुरुआइन गुरुआइन, सभी आदमी क्या करे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करे 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 करे। उपाधियों का अंत है, हालांकि सेना एवं शिक्षा उपाधि ली जा सकती है, जैसे परमवीर चक्र, पद्म विभूषण। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री अलंकरण 18(1) में प्रयुक्त उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं भारत रत्न विजेता, भारत रत्न डॉक्टर कौन, अभी वर्तमान में भारत रत्न प्राप्त कोई व्यक्ति जिंदा है कहाँ, हाँ एगो है ना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19, इसके तहत मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु वर्तमान में 6 है, कितने हैं, 6 है, तो स्वतंत्रता कितना है, 6 है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। 19, शांति एवं सशक्त शस्त्रहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता 19(4) में और 19(5) में है, किसी भी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है, परंतु जम्मू एंड कश्मीर इसका अपवाद है, इसके लिए जम्मू कश्मीर राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो कि अब खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भारतीय लोग भी जाकर बस सकते हैं, क्योंकि वहां का धारा आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है। 19(6) में है, कोई भी व्यवसाय जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, पकौड़ा बेच सकते हैं, टीचर बनने के लिए डंटा खा सकते हैं। अनुच्छेद 20 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 तरह के प्रावधान है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ
एक बार दंडित किया जाएगा। अपराध करने के वक्त जो कानून प्रचलित है, सजा केवल उसी कानून के तहत दी जाएगी। ओके, अपने ही विरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार मार के कहे कि तुम क्या करो, खुद का गुनाह कबूल करो और क्या कर लो, ये नहीं है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी किसी भी व्यक्ति को केवल प्रचलित कानून के आधार पर ही इस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। नोट, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित की गई है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 21 के क तहत दिया गया है और इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाना जाएगा। ये बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक ना। आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं किया जा सकता है, और आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 20 और 21 जो है, आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं होता है। साथियों याद रखिएगा, 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं होता है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण एवं नजरबंदी के खिलाफ संविधान संरक्षण, इसके तहत निम्न अधिकार दिए गए हैं। हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, मनपसंद वकील रखने देना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसमें निवारक निरोध का प्रावधान है। इसके तहत जुर्म करने से पहले ही किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बगैर न्यायिक प्रक्रिया चलाए नजरबंद कर 3 माह तक कैद किया जा सकता है। कहेगा राष्ट्रपति शासन लागू होगा, सबसे पहले कौन सा अधिकार समाप्त होगा, तो सबसे पहले अधिकार 19 समाप्त हो जाता है। और कौन सा कभी समाप्त नहीं होता है, 21 और 20, 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। 20 क्या है, तो स्वयं के खिलाफ दोष सिद्धि वकील रखना, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अभी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 के तहत ही क्या है, इंटरनेट का उपयोग करना, वीडियो देखना, विदेश का यात्रा करना, पासपोर्ट रखना, सोने का अधिकार, ये सभी क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का व्यापक व्याख्या किया गया है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथियों पता, ज्यादा समय तक रखने के लिए उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। सलाहकार बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के अधीन किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, मीसा, मीसा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट 1971, कोस्पास, पास्को, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, टाडा, टेररिस्ट एंड क्या है, डिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज 1987, कोटा 2002 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में कई बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 23 में क्या है, इसके तहत मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाशरण पर रोक लगाई गई। मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाशरण पर रोक किसके तहत, आर्टिकल 23 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत इसमें बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। बाल श्रम को क्या घोषित किया गया, दंडनीय अपराध। इसके तहत क्या है, बालाश्रम पर दंडनीय अपराध, मतलब जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और इसमें किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कि तोरा खाइल दबो काम कर, मार दबो कोरा दबो काम कर, नहीं कहा जा सकता, मतलब जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। किसके तहत, आर्टिकल 23 के तहत। ओके, कहता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, इसमें अंतःकरण से धर्म को अबाध रूप से स्वीकारने, उसका अनुसरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस अनुच्छेद के तहत सिख बौद्ध जैन को हिंदू धर्म के अंग के रूप में रखा गया है। किसे, सिख बौद्ध और जैन को हिंदू के ही अंदर रखा गया है। आपको क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 25 के अनुसार सिख जैन और बौद्ध क्या है, तो हिंदू है। इसी के तहत सिखों को कृपाण लेकर चलने का भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो क्या है, उसका एक्ट ऑफ रिलीजन है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक संस्था बनाना तथा इसके लिए चल अचल सम्मति जमा करना, ठीक ना। और अनुच्छेद 27 में क्या है, तो अनुच्छेद 27 में इसके तहत धार्मिक व्यापार कर से मुक्त दी गई है। अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध का प्रावधान है, यानी शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी को धार्मिक कार्य में भाग लेने या उपदेश सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कथा अनुच्छेद 29, किसी भी व्यक्ति या समूह को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का क्या है, अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं का प्रशासन चलाने का अधिकार होगा, साथ ही सरकार उसे अनुदान और भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, या मूल अधिकारों को न्याय आयोग बनाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था, और मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत कहां, हाई कोर्ट में।
कहता है करीट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत सशरीर प्राप्त करना, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस क्या कर रही है, बहुत देर तक सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है कोर्ट के सामने, तो क्या किया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा, ठीक ना, 24 घंटे के अंदर। परम आदेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो न्यायालय क्या कर सकता है, परम आदेश दे सकता है। प्रतिषेध, इसका अर्थ है किसी काम हेतु मना करना, प्रतिषेध का मतलब है क्या है, किसी न्यायालय में कोई कार्य चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो गलत कर रहा है तो उसको क्या करेगा, प्रतिषेध कर देगा, रोक देगा। अगर कोई न्यायिक अधिकरण अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस लेख के माध्यम से कार्रवाई करने से। और उत्प्रेषण, अगर मान लीजिए कोई निर्णय हो भी गया है तो भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे पूर्णतः सूचित किसी अधीनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित त्रुटियों को सुधार हेतु लेख जारी करना। और अधिकार परीक्षा, कोई वारंट हो, ये क्या होता है, सरकारी अधिकारी के खिलाफ इस किसी अधिकार से, किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसा सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करे जिसके लिए उसे कानूनी मान्यता ही ना प्राप्त हो तो इस लेख के माध्यम से वह पूछता है कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, संतोषजनक उत्तर ना पाने पर पदमुक्त भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का हस्तगन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता का अधिकार स्थगन हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के समय लागू होता है। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से अनुच्छेद 32 के समेत अन्य मौलिक अधिकार करों का स्थगन कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। और यह है आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शंकरी प्रसाद बनाम मामले में कहा कि संसद मूल अधिकार समेत किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 67 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, तो एकमात्र इसी में जो था जिसमें कहा गया कि नहीं कर सकती, बाकी सब में कहेगा कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जिसमें संविधान का क्या हुआ, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, पर आधारभूत ढांचे को बिना नुकसान पहुंचा है। 1980 में आया था मिनर्वा मिश्र बनाम भारत संघ केस में न्यायालय ने यह सिद्धांत कायम रखा जो आज तक मान्य है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसे प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 तो ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और किसे प्राप्त नहीं है, तो अंत किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्व, कहता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, आपको पढ़ा दिए हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है, क्या है ना, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। इसके संबंध में सरकार द्वारा लागू किए जाने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये क्या है, गैर बाध्य अबाध्य है, अबाध योग्य है, मतलब इसे क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, अनुच्छेद 37 में है, ये तत्व देश के शासन का मूल आधार है और निश्चय ही विधि बनाते समय इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, परंतु न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा व अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, आय की असमानता दूर करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना किसमें, आर्टिकल 38 में है। और 37 में क्या है, तो 37 में यह तत्व देश के शासन का मूल अधिकार है और निश्चय ही विधि बनाते समय इसे लागू करना कर्तव्य होगा, परंतु न्यायालय। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अपनाई गई जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत तय करता है, राज्य भौतिक या अभौतिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। कोई एक ही आदमी अगर क्या कर रहा है, संसाधनों का संकेंद्रण कर रहा है, भारत उसे रोकेगा। 39 के क में ही है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी गरीब है और अपना वकील नहीं चुन सकता है तो उसे वकील चुनकर कौन देगा, भारत सरकार देगा, किसके तहत देगा, आर्टिकल 39 के क के तहत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा से क्या है, प्रेरित है। अनुच्छेद 41 में राज्य विशेष परिस्थितियों में बेरोजगारी बुढ़ापा गरीब आवश्यकता में लोक सहायता देगी। अनुच्छेद 42 में कार्य की मानवीय दशाओं तथा मातृत्व प्रसूति लाभ, मातृत्व प्रसूति लाभ किसमें, आर्टिकल 42 में। ओके, और राज्य विशेष परिस्थितियों में बेरोजगारी बुढ़ापा में लोक सहायता देगी, किसी के तहत क्या होता है, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, किसके तहत, आर्टिकल 41 के तहत। ओके, 43 में निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, सैनिकों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना, कुटीर उद्योग का विकास करना।
और अनुच्छेद 43 में राज्य द्वारा उद्योग के प्रबंधन में सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के समस्त नागरिकों में समान नागरिक संहिता लागू करना इसे। और ये अभी कहाँ लागू है, तो एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, और दूसरा राज्य उत्तराखंड बनने वाला है, उत्तराखंड, जहाँ ये क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। अनुच्छेद 45 में देखिए, पहले इसी में था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लेकिन अब 6 से 14 वर्ष वाला जोर दिया गया कहाँ, मूल अधिकार में। तो अभी यहाँ है मात्र 0 से लेकर 6 वर्ष तक उम्र के बालकों को उचित देख रेख रोक निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर विशेष बल, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर उठाना तथा मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाना, और इसी के तहत क्या होता है आपको MDM दिया जाता है, मिड डे मील भोजन, ठीक है ना। तथा अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि पशुपालन और वैज्ञानिक तरीके का विकास और गौ हत्या पर रोक, और ये भी क्या है, गांधीवादी है। अनुच्छेद 48 के क्रम में पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण, 48 के क्रम में, और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्ति का पृथककरण, अनुच्छेद 51 में है अंतरराष्ट्रीय, तो अनुच्छेद 50 और 51 इंपॉर्टेंट है। कहता है अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति वासुदेव कुटुंबकम के लिए प्रयास करना। अभी आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, प्यूपा न्यू गिनी गए थे, और प्यूपा न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने क्या किया, मोदी जी का पैर छू लिया, और पूरा एकदम हर पेपर में, इंटरनेशनल पूरा इंटरनेशनल पेपर में क्या है, भरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शब्द शामिल है, कथा अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया है, और राज्य में क्या शामिल है, तो भारत सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जैसे DMSP, ये सभी भी क्या है, राज्य के श्रेणी में आते हैं। ओके, कथा नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, जमींदारी उन्मूलन 1951 इसके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, और जब विवाद हुआ तो कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के ऊपर क्या दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके तहत 1969 में 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, तथा 1950 में योजना आयोग का गठन ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके, जिसका नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। काश्तकार अधिनियम तथा भूमि हथबंदी कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम प्रतिषेध और नियम अधिनियम 1976, वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया था, प्रस्तुति परिसुविधा अधिनियम 1966 और समान प्रासारमिक अधिनियम 1976 को महिला कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। जीवन बीमा निगम 1956 तथा साधारण बीमा निगम मतलब LIC और क्या है GIC 1971 राष्ट्रीयकरण, शाही खर्च प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स क्या था, तो जो राजे लोग, जो राजा महाराजा था, जो क्या था, वारंटी शामिल था, उस सबको क्या किया गया, उस सबको क्या किया गया, भारत में शामिल हुआ, कुछ दिन तक उसको दिया गया, और फिर प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया, बोला तुम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, 1971 में इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत का गठन, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग का गठन। क्या आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार बनाया जा सकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो KT शाह महोदय का है, किसका है, KT शाह महोदय का है, बहुत बार ये क्वेश्चन में आ जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन, शिक्षण संस्थाओं में तथा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया, और अपरिष्टता अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नया लिया गया, और 1990 में क्या किया गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, बाद में 2003 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अलग से आयोग बनाया गया। ओके, बताया क्या आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबंधित करने वाले अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49, ये सभी क्या है, गांधीवादी विचारों को परिणति करते हैं। गांधीवाद, समाजवाद और पूंजीवाद तीनों विचारों का सम्मिश्रण है भारत के नीति निर्देशक तत्व। ओके, आपको नीति निर्देशक तत्व याद रखना है, पिछला क्लास, अगला क्लास जब होगा तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, सही जवाब देने पर आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा। ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40 के तहत, दुर्बल वर्गों को शिक्षा
स्वार्थ संबंधी हितों का अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 46 गांव में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार, अनुच्छेद 47 कृषि एवं क्या है पशुपालन संगठन, कृषि एवं आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा, अनुच्छेद 49 और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 49। ये क्या है आपके नीति, प्राचीन एवं भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और स्मारकों का अधिनियम 1951 को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थान तक बना। 2003 में 6 से 14 वर्ष की आयु के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा समिष्ट नीति निर्देशक तत्व एक दृष्टि में 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या जोड़ा गया, 39 के क के खंड 4 में बालकों के स्वास्थ्य विकास अक्सर एवं सुविधाओं तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा, अनुच्छेद 39 के क में सामान्य न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, 43 के क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, और अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 38 का 2 राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधा की असमानता को समाप्त करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो आर्टिकल 45 में प्रतिस्थापन, 6 वर्ष की आयु के बच्चे को देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया, सहकारी समितियों के गठन संचालन नियंत्रण और प्रबंधन समिति निर्देश, भारत में गुट निरपेक्ष नीति एवं पंचशील सिद्धांत को बढ़ावा देना, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वृद्धा पेंशन, 2006 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत की गई। ओके, क्या आप जानते हैं कि खाना कारखानों तथा जोखिम पूर्ण कार्यों में कम आयु के बच्चों को नियोजन के निषेध वाले अधोलिखित अधिनियम समय समय पर परिवर्तित किए गए हैं, बालक नियोजन अधिनियम 1938, ओके, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन 1958, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, बालक श्रम अधिनियम 1986। मूल कर्तव्य भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 के क में यह मूल संविधान में वर्णित नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस संविधान में 4 तथा अनुच्छेद 4 के क में जोड़ा गया है। 1976 में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु इसकी संख्या क्या हो गई है, 11 हो गई है। तो इसमें मूल कर्तव्य क्या है, तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान जब बजे, जनगण मन अधिनायक जब हो, तो आपको खड़ा हो जाना है सावधान की मुद्रा में। ओके, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर देश सेवा हेतु तत्पर रहे। भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हम सब भारतीय क्या है, भाई भाई हैं। ऐसी प्रथाओं को समाप्त करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का महत्व समझे तथा इसका क्या करें, परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा इसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा पुनर्जागरण की भावना पर विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता और अभिभावकों का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसे किसके द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। एक्सपा क्या है, एक्सपा अर्थात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश। असम एवं मणिपुर में सशक्त विद्रोह को दबाने के लिए अपनाया गया कानून, यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए कानून का ही प्रतिकृत है। इसे सितंबर 1957 में अधिनियमित एवं मई 1958 में परिवर्तित किया गया। ओके, अब हम लोग का अगला अध्याय क्या है, अगला अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका। ओके, ये जो 5 और 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक नए वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग एक और कुछ ऐसा चीज कर लेते हैं जो कि कम इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में क्या है आते हैं, वैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अभी भी अभी निपटा लेंगे, ठीक है ना, ताकि अगला वीडियो जो है उसमें ये समाप्त ही हो जाए।
देखिए ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी और प्रत्याय भी महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण तथ्य को ही अभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके, भारतीय संविधान संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आइए कुछ प्रश्न क्या करते देख लेते हैं, ब्रिटेन जो हम अब तक अभी तक पढ़े हैं उन प्रश्नों को ही अभी देखना है, ठीक है ना, कि हमने जो पढ़ा उसमें हमें क्या है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा रॉयल चार्टर से भारत के साथ व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब किया गया, 31 दिसंबर 1600 को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक्ट ने अंतर्गत कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य जो कि 24 थे का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा लॉर्ड जलीला एलएमपी को क्या बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश। 1974 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, इसके अवर न्यायाधीश कौन थे, चेम्बर्स और लिमस्टर्न और हाइड, चेम्बर्स लिमस्टर्न और हाइड थे। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश किस अधिनियम में कहा गया, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिला, 1786 का अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, 1786 के अधिनियम द्वारा। 1793 के चार्टर द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के परिषद के सदस्यों की योग्यता के लिए सदस्यों को कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया, 12 वर्ष तक। कंपनी के निदेशक मंडल नियंत्रक मंडल तथा गुप्त समिति को समाप्त करके किस अधिनियम द्वारा भारत राज्य की नियुक्ति की गई, 1958 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तथा भारत सचिव के कार्यों की सहायता हेतु किसकी स्थापना की गई, भारत परिषद की, जिसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। 1 नवंबर 1958 की घोषणा के बाद भारत किस वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षित वर्ग के द्वारा। भारत में किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली पोर्टफोलियो लाया था, तो लॉर्ड केनिन ने लाया था, कब, 1761 में लॉर्ड केनिन ने। पोर्टफोलियो कि किसका कौन सा कार्य होगा, ये कौन लाया था, लॉर्ड केनिन लाया था, कब लाया था, 1761 में लाया था। 1862 में किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो बनारस के राजा, पाटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ओके। कथा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, तो बताए थे लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया, 28 अप्रैल 1876 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया, 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया। राज्य भारत राज्य सचिव को किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी राजस्व से वेतन देना निर्धारित किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय विधान पालिका कब प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, 1919 में भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा। और राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ओके, राष्ट्रपति को। लेकिन पहली बार वायसराय ने किसके तहत किया था, 1861 के तहत। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित परियोजना का आधारित है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ओके। म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संस्था निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख। तथा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। तथा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ओके। संविधान सभा 1895 में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, लोकमान्य तिलक के निर्देशन में। 1922 में किसका विचार था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार, सो महात्मा गांधी का। सर्वप्रथम किस महापुरुष ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो, मोतीलाल नेहरू ने, कब, 1928 में। बर्कन हेड रिपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कब औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि भारतीय निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में, लेकिन भारतीयों ने से माना नहीं था।
भारत में संविधान सभा का निर्माण कार्यकारी सिफारिश पर किया गया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य में कितने सदस्य देश रियासतों से चुने गए थे, 93, और चार वो कमिश्नर से था। संविधान सभा में गठन हेतु चुनाव कब कराया गया, जुलाई 1946 में। कैसा चुनाव था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति था। संविधान सभा गठन हेतु चुनाव कथा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई, क्योंकि इस समय क्या होगा, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की गठन किया गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। संविधान सभा ने 389 सदस्यों में 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें चार कमिश्नरी क्षेत्र के थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान। संविधान सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्रमशः कितने कितने स्थान प्राप्त हुए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 और कांग्रेस को 208 सीट मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को किया गया, ठीक ना। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का गठन पुनर्गठन कब किया गया, 26 जनवरी 1946 को किया गया, ठीक ना। तथा संविधान, भारत के संविधान निर्मात सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो आरसी मुखर्जी, ठीक ना। तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ठीक ना। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, 12। भारतीय संविधान के कितने अधिवेशन हुए, 12 हुए। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा में कितने वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद किया गया, ठीक ना। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ओके। और संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। साथियों क्या आ गए, हम उग गया, और करें या फिर आज के लिए यही, चलिए कुछ और करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तथा भारतीय संविधान के निर्माण के समय सर्वाधिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव महोदय थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट, समानता झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी माने जाते, जबकि वे मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना। वो क्या थे, मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे, कौन, जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार क्या किया गया था, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस क्या कर रहा था, स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहा था। भारत का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है। और भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद हैं, अमेरिका में मात्र 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, दक्षिण कनाडा में 147 है, और अफ्रीका में कितना है, 253 है। भारत क्या है, एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, भारत के राष्ट्रपति चुने हुए होते हैं, ठीक ना। और भारतीय संविधान में किस, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है राष्ट्र के अध्यक्ष क्या हो, चुने हुए हो। तथा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक ना। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से, कनाडा से। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के परिसंघीय उच्चतम न्यायालय।
उच्चतम न्यायालय का संबंध क्या है, अमेरिका में भी है और भारत में भी है, ठीक है ना। भारतीय संविधान समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में गठन के में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए, आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से, जिसका जो क्या था पूर्व में सोवियत संघ था, यूएसएसआर से, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संघात्मक शासन यहाँ की संघीय प्रणाली क्रमशः किस देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से। भारतीय संविधान में किस अधिनियम का 70% से अधिक भाग शामिल किया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान सभा के द्वारा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। आरंभ में कहां से हुआ था, तो आरंभ हुआ था पूर्वी बंगाल से, लेकिन जब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन जाता है तो इनका कहां से होता है, बंबई प्रेसिडेंसी से। जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब बनाया गया, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को, बात जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, कब बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ओके। और भारत शासन का भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ओके। कहता है संविधान में संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि 15 वर्ष के लिए रोक दीजिए, क्योंकि भारत के लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, तो अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने क्या किया, उसे रोका नहीं। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह प्रस्तुत सुझाव भारत के राष्ट्र तथा कथित राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का था, क्योंकि इसलिए तथा कथित कहे साथियों, क्योंकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संविधान में कहीं वर्णित नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका गया, यह कथन किसका है, आइवर जेनिंग्स का है। किसका, आइवर जेनिंग्स का, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। कथा अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, भारतीय संविधान में संवैधानिक दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं, अभी उस समय तो कितने थे 395 और 12 अनुसूचियां थी, ठीक ना। भारतीय यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में अवश्य संशोधन करना होगा। पहली में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। 9वां अनुसूची में भारत के संविधान में के अंतर्गत आर्थिक योजना संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची में क्या है, आपराधिक मामले भी हैं, ओके। भारतीय भारत के संविधान में संवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ओके। जनगणना संघ सूची का विषय है, इसीलिए जनगणना कौन करा रहा था, बिहार सरकार करा रहा था, तो उसको रोक दिया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ओके। संविधान संशोधन की कौन सी अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है 10वीं अनुसूची, कब जोड़ा गया, 12वां संविधान संशोधन 1985 के। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार विषय को संवर्ती सूची में किस सूची के अंतर्गत रखा गया, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। भूमि सुधार क्या है, राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में किस अनुसूची में राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। संविधान के 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल है, 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पंचायतों को सार्वजनिक संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, अनुच्छेद 243 के द्वारा और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, अनुच्छेद 312 के तहत, और इस पर कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा बना सकता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत। 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, आर्टिकल 137 के तहत, ओके। कहता है भारत संविधान का अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। भारत में केंद्र सरकार को प्राप्त अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 124 क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान करता है।
संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। और भीमराव अंबेडकर ने इसी को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ओके, संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 280। ओके, और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया। ओके, अब कहता संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कर लेते हैं, प्रस्तावना उसके बाद लास्ट करेंगे क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार संविधान निर्मात्री सभा से प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था। इसे प्रस्तुत किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक ना, भारतीय संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे कब अपनाया गया, तो 22 दिसंबर 1946 को। कहता भारतीय संविधान निर्माता सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 22 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है, भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है, भारत का जनता है। कौन है, भारत का जनता है। भारतीय संविधान को किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ओके, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुनिधि, जब भारतीय संविधान लागू किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है, भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सभी व्यक्ति पूर्णता और सम्मान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसका है, सार्वभौमिकता का। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस स्वतंत्रता का वर्णन है, आर्थिक स्वतंत्रता के, किसका है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन है। ओके, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत करने को भारतीय तिथि कब है, तो मित्र शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी। भारतीय संविधान में वर्णित समाजवादी शब्द का क्या तत्पर है, समाज में समानता, क्या है, समाज में। भारतीय संविधान में वर्णित गणतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, भारत के राष्ट्रपति क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। भारतीय संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है, भारत में शासन जनता प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित होगी। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ओके, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय किस प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता 5 प्रकार का। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में युक्तियुक्त निर्बंध लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल किए हैं, तो अनुच्छेद 19 में। किसमें, अनुच्छेद 19 में, राज्य संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। ओके, तब तक आप लोग क्या कीजिए, और आप लोग क्या कर रहे थे साथियों, तब तक आप लोग पढ़ रहे थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती तांडव सीरीज के तहत, तांडव धुन तनाना धुन धुन धुन, जो आप लोग सुनते होंगे, ओम नमः शिवाय के समय, भारतीय संविधान पॉलिटी की क्लास, मास्टर क्लास पार्ट 1। क्या लगता है गुरुजी, इससे ज्यादा पूछेगा, बिल्कुल नहीं। शिक्षक तो बनना ही है कि सीरीज है, और आपको यह करा दिया गया है तांडव सीरीज, भोला हुआ का नाम लेकर, महाकाल का नाम लेकर। पूरे वीडियो को देख जाइए, 2 बार रिविजन कीजिए, 2 बार देखिए, कॉपी में शॉर्ट नोट बनाइए, और एग्जामिनेशन में जाकर एग्जाम में क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके आ जाइए साथियों। और यहां पढ़ने वाले व्यक्ति सिर्फ शिक्षक नहीं बनेंगे, रैंकर शिक्षक बनेंगे, रैंकर, समझ गए। तो आप लोग क्या कीजिए, दबा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, बायोलॉजी की HD क्लास है एकदम HD फिगर के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सर्विस क्लासेस KGG, बिकॉज कंसाइज वे में शिक्षक भर्ती के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने वाला एकमात्र चैनल है आपका सर्विस क्लासेस KGG, जिसने हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर बैठकर सजीव चित्रण, लाइव प्रसारण धृतराष्ट्र की तरह किया गया है।
ठीक ना। और याद रखिएगा साथियों, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। तो इसी यकीन और उम्मीद के साथ क्या करना है, इन सभी क्लासों को देखना है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। जो लास्ट तक टिकेगा, जो दबा के मेहनत करेगा, उसी का क्या होगा, सब कुछ होगा। तो चलिए, और हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं लोगों के साथ, आपसे विदा लेते हैं, फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।